हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एनजीएस एकेडमी। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोर्ड एग्जाम्स के सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए का सॉल्यूशन लेके आया हूं आपके लिए। इसका एग्जाम एआई का एग्जाम आज ही हुआ था और आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। आइए देखते हैं सेक्शन ए के किस किस क्वेश्चन के क्या आंसर होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर any 4 out of given 6 question, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है which of the following is not a task of entrepreneur, तो preferably using the foreign materials। ये इसका सॉल्यूशन होगा। GUI stands for graphical user interface। Which of the following is a function of an entrepreneur, तो that is the innovation। राइट क्लिक ऑन फाइल एंड फोल्डर मेनू ओपन्स शॉर्टकट मेनू, इसे कंटेक्स्ट मेनू भी कहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द वाइटल बिकॉज इट लीड्स टू फॉलोइंग बेनिफिट्स, तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर अर्ज टू डू समथिंग, अचीव देयर गोल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, लिव फॉर द अवार्ड ऑफ फॉर एप्लीकेशन, तो इसका सही जवाब है सेल्फ मोटिवेशन। टू पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ पॉकेट असिस्टेंट्स आर एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट्स। This is a fact about that all human beings have all 9 types of intelligence but at different levels. So name any 2 such intelligence। मैंने 3 के नाम लिखे हैं, मैथमेटिकल्स, लिंग्विस्टिक्स, स्पैटिकल, विजुअल इंटेलिजेंस। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो ही सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है, बाकी सारे सही स्टेटमेंट्स हैं। ड्यूरिंग डेटा एक्विजिशन फीडिंग प्रीवियस डेटा इनटू द मशीन, उसे हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। जब हम प्रीवियस डेटा देते हैं तो दैट इज द ट्रेनिंग फॉर मशीन। रिग्रेशन इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ द सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल वेयर डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेवल्स एंड डेटा नीड नॉट टू बी कॉन्टिन्यूअस, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, डेटा मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। Which of the following is defined as the measure of balance between the precision and recall, सही जवाब है F1 score। Now question number 3, answer any 5 out of the 6 question। Email filter, spam filter, smart assistants are the examples of NLP, natural language processing। Select the correct features of a smart board, so it's all of the above is the correct features of a smart board। For dash, the whole corpus is divided into sentence, each sentence is taken as the different data, so now the whole corpus gets reduced to sentence, इसे sentence segmentation कहते हैं। Dash helps to find the best model that represents our data and how well the chosen model will work in future, evaluation कहते हैं इसे। While evaluating a model performance, recall parameter considered, तो यहाँ पे पैरामीटर कंसिडर्ड में आएंगे ऑप्शंस 2 एंड 3, ऑप्शन 2 एंड 3, ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। With reference to NLP, consider the following plot of occurrence, word versus their values, the stop, frequency, what is the meaning of the X, तो X is the rare and valuable words। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, तो इसका सही जवाब है हेल्प्स इन क्लासिफाइंग द टाइप एंड जेनर ऑफ ए डॉक्यूमेंट। The two conditions where predictions matches with the reality are true positive and true negative, सही जवाब है इसका true negative। Which of the following is the correct features of the neural network, तो इसका सही जवाब है they are modeled on human brains and nervous system। With reference to the AI domain, expand the term CV। CV का full form होता है यहाँ पे computer vision। Under dash, one looks at the various parameters with a pack the problem we wish to solve at this would make many lives better, तो इसका सही जवाब है problem scoping। In this learning model, the data sets which is fed to the machine is level। Name the model, तो जिसको हम supervised learning model कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। डैश इज अ टर्म यूज फॉर द एनी वर्ड और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर ऑकरिंग इन अ सेंटेंस, तो उसे टोकन कहा जाता है। व्हेन द प्रेडिक्शन मैचेस द रियलिटी द कंडीशन इज टर्म एज, इसे ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। स्मार्ट असिस्टेंट सच एज एलेक्सा, सिरी एज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल्स हैं। 4W प्रॉब्लम कैनवास इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्कोपिंग, 4W। It refers to the unsupervised learning algorithm which can cluster the unknown data according to the pattern or trends identified out of it, so this is called clustering। Last question है, which of the following talk about how true the predictions are to the any model, तो इसे हम accuracy कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे मैं सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।